हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम छत से, क्योंकि यहाँ हम वॉश करने आए हैं। निकाब जो है ना, मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, हमें टाइम नहीं मिल रहा था कि हम इसे वॉश करें। धूप देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है, सुबह के 11 बज रहे हैं। तो अब हमें लग रहा है ना कि इंशाल्लाह हम नकाब ले लेंगे दूसरा, क्योंकि अब सबसे सुन सुन के ना हमें भी ये जो है ना एकदम बेकार लगने लगा है। चलिए इसको नीचे से लेके आए ना, हाफने लग गए। पहले इसे वॉश कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइस, मेरा नकाब धुल गया है, अभी सूखने को डाल दिए हैं। यहाँ सुहेल छत पे पानी डालने लग गए, प्लांट को पानी डाल रहे थे। सारे प्लांट जो है ना ख़राब हो रहे हैं गर्मी की वजह से, हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सारा ये जो ये वाला तो एकदम सूख गया है, ये वाला वो भी सूख गया है, लेकिन शायद अगर प्रॉपर अभी पानी डालेंगे ना तो कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी भी इसमें थोड़ा सा ये रेड ग्रीन दिख रहा है ना, थोड़ा सा है। और मनी प्लांट तो मन ही नहीं आ रहा है गाइस, तो प्लांट कहाँ से आगे बढ़ेगा। इसको भी थोड़ा करना है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा ये रोज़ वाला है, पत्तियाँ सूख रही हैं, सूखना स्टार्ट ही हो रही थी, बट इसमें अगर प्रॉपर पानी आने लगेगा ना तो सही हो जाएगा। ये भी प्लांट है, थोड़ा अच्छा लगता है। और धूप अभी भी धूप ही है, कोई फायदा नहीं होगा, एकदम दो मिनट में सूखेगी छत। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा घर का काम रूम वूम सही करते हैं, क्योंकि आज भी मेरी बुकिंग है तो फिर हमें जाना पड़ जाएगा। गाइस, एक बज गए हैं, नहा धो लिया है हमने, और इसमें जो है ना कुछ पल वाला नकाब और हमारा का एक वो जीन्स वगैरह मेरे पास रह गई थी, तो वो सारी चीज़ें हैं हमने इसमें रख ली है। अभी हम निकल रहे हैं, पहले जाएंगे रोशनबाग, क्योंकि हमें लेना है एक हिजाब, गर्मी के हिसाब से है नहीं मेरे पास। और सच बात ऐसे नॉर्मली देखें तो है ही नहीं, अच्छे कलेक्शंस नहीं है मेरे पास, तभी चलेंगे। ज़्यादा नहीं, एक ले लेते हैं अभी, फिर इत्मीनान से जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेनी है, तो फिर वो किसी दिन जब फ्री होंगे ना इन कामों से तब ले लेंगे। इस बैग का ना ये चेन भी ख़राब हो गया, इसे भी सही कराना है, मतलब यहाँ से कुछ ढीला हो गया है। एक बार और हुआ था तो करवाया था तो सही हो गया था, ज़्यादा सामान रख देते हैं ना तो यहाँ से आई थिंक इसका कुछ जब का कुछ मैटर हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा एक फुल डे ख़त्म होता है, और हम जा रहे हैं घर बुकिंग्स वगैरह क्लियर करने के बाद। ये क्लिप है नेक्स्ट डे की, नेक्स्ट डे भी बुकिंग थी हमारी, तो क्लाइंट का हमने जो भी शूट किया था उसके एक दिन पहले वाला नहीं किया था, क्योंकि पता नहीं क्यों टाइम नहीं मिला, और फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा थक गया था, तो किसी का भी हमने शूट नहीं किया। और फिर हमने सोचा ये वाला शूट किया है तो ये हम आपके साथ शेयर कर दें। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा थर्ड डे, हम लोग कर रहे थे ब्रेकफास्ट, सुहेल के फ़ोन में चल रहा था हमारा व्लॉग, और अभी हम लोग निकल रहे हैं ना कहाँ जाने के लिए, हाँ बाहर। एक्चुअली हम लोगों का प्लान काफ़ी टाइम से बन रहा था कि हमारी जो बाइक थी उसे हमें एक्सचेंज करना था, तो इसलिए हम लोग आए थे यहाँ सिविल लाइंस, क्योंकि पहली वाली बाइक इसी स्टोर की थी, तो ये तो बंद था क्योंकि सैटरडे था और ये संडे को ओपन होता है। तो फिर हम लोग आ गए दूसरे शॉप पे जो कि चौक में था। तो सुहेल का ये होता है ना कि आज अगर दिमाग में आ गया है कि ये चीज़ें लेनी है तो बस ले लेनी है, तो वो कहीं से भी किसी भी स्टोर से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी यहाँ पे आ गए हैं। सुहेल को तो कोई और सी बाइक पसंद थी, लेकिन वो जो है ना हम अपने कंफर्ट या घर वालों के कंफर्ट को देखते हुए बोले तो वो बिल्कुल सही नहीं थी, वो उसमें सिर्फ एक ही इंसान ट्रैवल कर सकता था सुकून से बैठ के, तो वो सही नहीं था। तो इसलिए हमने जो है ना नॉर्मली बाइक जैसे हमारी पहली थी ना वैसे ही हमने ये वाली भी रखी, कि एटलीस्ट लोग आराम से बैठ के सफ़र तो कर सकें।
एक इंसान से मेरा मतलब था कि जो ड्राइव करेगा सिर्फ वो ही बैठ सकता था उस बाइक में। अभी हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन सी बाइक की हम बात कर रहे हैं, और हम लोग लेने वाले हैं ये बाइक। एक और बाइक उन्होंने दिखाई थी लेकिन उसमें स्क्रैच था, तो सुहेल ने एक दूसरी बोला कि इसे वॉश करके दो, तो अभी ये जाएगी वॉश होने के लिए और हम लोग जाएंगे अंदर स्टोर में बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उसे पूरा करने के लिए। घर जाने में कर देंगे भैया 1 लीटर। सही है, आप जरा फुल मूड बना के आते कि ये वाली बाइक लेंगे, इस पे ये यहाँ बैठते, यहाँ कौन बैठता और जो बैठता बेचारा उसका सारा ध्यान इसी में रहता है कि वो लगा नहीं गिर जाते कि इतनी ये मतलब बहुत टेंशन वाला रहता है ये इसमें। अरे धोखा है ये, कवर लगाए हैं क्या, हटा दिया था फिर। बेंच वगैरह मिल गई आपको सब, टूल्स वगैरह चेक नहीं किए हैं वो शायद उसमें हो आगे। ये बॉक्स नहीं है, ये बॉक्स रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप देख भी सकते हैं, देख सकते हैं। तानिया कौन है? तो यहाँ पे निकल गए हम लोग बाइक लेके, अभी चलते हैं घर और सबका रिएक्शन देखते हैं क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि हम लोग आज बाइक लेने वाले हैं। एक्चुअली ये बाइक जो है ना स्वैप के लिए ही एक्सचेंज की गई थी क्योंकि अब सुहेल के पास उतना टाइम होता नहीं है और कहीं जाना वगैरह होता है तो काम चल जाता है, और ज़्यादातर अभी ये यूज़ जो है वो स्वैप ही करता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा खुशी उसी को हो रही थी और काफ़ी टाइम से ये ही बोल रहा था एक्सचेंज करने के लिए। और आज हम लोग करने गए थे तो भी इसे आइडिया नहीं था कि हम लोग एक्सचेंज करने जा रहे हैं, और जो इसका रियल रिएक्शन था ना वो तो हम कैप्चर करना भूल ही गए, और बस उसके बाद जो भी था वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मुँह मीठा हो रहा है गाइस, जैसे छोटी हो या बड़ी खुशियाँ बड़ी होनी चाहिए है ना। खुशी देख रहे हैं लोग को बोल रहा है बाहर जाओ और बाहर जाओ ब्लर कर देंगे आपको, ब्लर कर देंगे आपको, ब्लर कर देंगे आपको, आइए तो सही। ये काम चल रहा था, कहाँ है हमें गाड़ी आई है। सरप्राइज, यस खरीदी तभी तो अम्मी, नई गाड़ी आई है। तो बस गाइस इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होप आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।